शहरी भाई, आप तो आमिर भाई के समझे भाई थे एक तरीके से, हर चैनल पे साथ, हर जगह आप तो बहुत, हम तो आपको देखते आ रहे हैं आमिर भाई के साथ हमेशा से, जिस तरह आप करते थे आमिर भाई का, और आमिर भाई आपके साथ जो थे, जो कुछ भी आमिर भाई के लिए से करने वाले साथ रखती है, तो अल्लाह ने वसीला बनाया था मेरे लिए। अलविदा आमिर लियाकत, अलविदा आमिर लियाकत भाई। पता नहीं लोग मौजूद है आलमे दीन आमिर लियाकत हुसैन के जनाजे में, वीडियो ज़्यादा शेयर करते रहें। ये देखें ये लोग चीपा वाले, पता नहीं लोगों को आने क्यों नहीं दे रहे आगे। ये देखें सब बंद कर दिया इन्होंने, आगे आने नहीं दे रहे लोगों को। वीडियो ज़्यादा शेयर करें आप लोग, आमिर लियाकत के जनाजे में मौजूद हैं हम। यार भाई जगह देना थोड़ी सी यार, चीपा वाले बड़े में सारे। सलाम शमाए बज़्मे हिदायत तेरा, सलाम से आज़म इमाम तुका मनुका, से आज़म इमाम तुका मनुका, जलवाए आमद हो भेजे सब उनकी शौकत पेला, वो सलाम को मुझे के पुसी काहे हारजा, मुझसे खिदमत के तुम गलसी करे। ये चीपा वाले देखे अंदर आने नहीं दे रहे लोगों को, बंद कर दिया इन्होंने, पता नहीं इस तरह ये आमिर लियाकत पे इन्होंने कब्जा कर लिया पूरे जनाजे पे इनके। ये देखें आप, किसी को भी अंदर आने नहीं दे रहे। नमाज हो रही है, उसका सफे बनाई जाएंगी, वीडियो को ज्यादा शेयर करें आप लोग। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें आप लोग। बेशक उर्दू का नुकसान हुआ है बहुत बड़ा, आमिर लियाकत भाई उर्दू के बहुत बड़े, कराची वालों का नुकसान है सबसे बड़ा ये। साथ साथ वीडियो को आप लोग शेयर करें ताकि देख सकें आवाम का जमे गफीर यहाँ मौजूद है आमिर भाई के जनाजे में। कराची वालों का बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे, सफ़े बनाई जा रही हैं अभी। ये आमिर भाई का जनाजा रखा हुआ है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हैं आप लोग, ज़्यादा से वीडियो को शेयर करें ताकि सबको पता चल सके आमिर लियाकत का जनाजा अब शुरू होने वाला है। सफ़े बनाई जा रही हैं, चीपा वालों ने इन पर कब्जा कर लिया ऐसा लग रहा है, आमिर भाई के दोस्त खड़े हुए हैं। देखें जगह नहीं दे रहे किसी को आगे आने की। बहुत ही जन्नती आदमी, बहुत ही जन्नती आदमी, नेक आदमी भाई, जन्नती आदमी आमिर भाई। देख सकते हैं आप सफे बनाई जा रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चीपा वालों ने इन पर जैसा लग रहा है कब्जा कर लिया, इनको जगह ही नहीं दे रहे आगे आने की।
अली मोहम्मद खान भी आ गए यहाँ पे। आमीन, अल्लाह मगफरत फरमाए आमिर भाई की, दुआ हो रही है। यार ये तमाम अदराक सफ़े बना ले, तमाम अदराक से गुजारिश है कि सफ़े से एक तरह से दुरुस्त फरमा ले। चलो जी चलो, सफ़े सफ़े बनाई जा रही है। सफ़े बनाई जा रही है, आप देख सकते हैं। अल्लाह पाक बेशक आमिर भाई की मगफरत करे, बहुत ही कोई नेक आदमी, और जनाजे गन को शर्फ भी अब्दुल्ला शाहगादी के मदार में हासिल हुआ और उनकी तदफीन भी यहीं पे हुई थी। कराची का बहुत बड़ा नुकसान, उर्दू का बहुत बड़ा नुकसान। माशाल्लाह से लोगों का जमे गफीर मौजूद है, लोग अभी भी आ रहे हैं पीछे से, आप देख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करते ना ताकि लोगों को पता चल सके। ये असर जोहर में होना था, कुछ मामलात की वजह से असर में हो गया है, और माशाल्लाह अभी भी लोगों की जमे का फिर यहाँ मौजूद है। जनाजा कौकम नुरानी नहीं पढ़ ले, कोई और इमाम है बताता, अहमद रजा कादरी साहब आए हुए हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारे नात ख्वाह सारे मौजूद हैं यहाँ पे। सफ़े बनना शुरू हो गई हैं। यहाँ मेरे भाई का जनाजा रखा हुआ है। दिल के आंसू रो रहे हैं आज सब, ऐसा लग रहा है कोई किसी का अपना चला गया है। जिस तरह आमिर भाई लोगों की खिदमत, कराची वालों की, जब से आगे से बढ़ बढ़ कर जो काम करा है आमिर भाई ने कराची वालों के लिए, थोड़ा सा मेहरबानी करो, थोड़ा सा करो बस। बेशक नहीं आने दे रहे आगे लोग, अफसर शब्बीर आप सही बोल रही है, बिल्कुल आगे आने दे रहे लोग किसी को भी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बजरा थोड़ा सा पीछे, इसको भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बजरा ना पीछे आइए, शहरी भाई भी आए हैं बिल्कुल यहाँ पे दिखे हैं। जनाजा कौन पढ़ाएंगे? साहबजादा, साहबजादा आमिर लिया का जनाजा पढ़ाए जाएंगे। अहमद अहमद आमिर लियाकत के साथ, आमिर लियाकत के साहबजादे। बार बार आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहे, थोड़ा साइड पे आ जाओ, पहले के खड़े सारे और हम मोबाइल फ्रेम में आ रहा है ना, चले गए नीचे रख, नीचे रख के हजारों इख्तलाफ भी होंगे, मोहब्बत भी होगी, आप तमाम उनके दोस्त उनके इज्जत वकार अल्लाह की रजा के लिए डॉक्टर हामिद लियाकत हुसैन को आज माफ फरमा दे, वो अल्लाह के हुजूर चले गए, वो अल्लाह की बारगाह में पेश हो गए। अब ये सोशल मीडिया का चिन्ह और जनाब ये मीम्स बनाने वाले, ये टिकटॉकर, ये लोग ये इबरत पकड़े कि इन्होंने डॉक्टर हामिद लियाकत के साथ जो किया वो अब किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक, किसी की भी निजी जिंदगी में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, बेशक बेशक, और इंसानों की इज्जत होनी चाहिए, इंसानियत की इज्जत होनी चाहिए। इस शख्स ने सारी जिंदगी नबी की नाते पढ़ी, इस शख्स ने सारी जिंदगी हुजूर के इश्क की बात की, मोहब्बत की बात की, अपने नबुव्वत की बात की, नामूसे रिसालत की बात की है, अहले बैत अतहार से मोहब्बत की बात की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन डॉक्टर आमिर लियाकत करम फरमाए, आमीन। बेशक बहुत दुख है, तो भी है नमाज जनाजा इज्जत फरमा लीजिए, तमाम हजरात सब सही तरह से दुरुस्त फरमा ले। गाइस
इस साइड पे आएंगे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा हम लोगों के भी कैमरे का। सही है आपके, आप थोड़ा सा पीछे आ जाइए सर। थैंक यू। बेशक हम लागत के बेटे, अहमद लागत के बेटे जनाजा पढ़ाएंगे। हामिद लागत के बेटे अहमद, कौन सी साइड से? जेडीसी से हैं। जेडीसी से वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें आप लोग। वीडियो को ज्यादा शेयर करें आप लोग। भाई जरा थोड़ा सा मोबाइल नीचे कर ले सर, सर थोड़ा सा मोबाइल नीचे कर ले सर, थोड़ा मोबाइल नीचे। देखो देखो मेरी गाड़ी हो, मेरे पास लोकेशन करीब है तो मुझे बताओ। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। हामिद लागत के बेटे अहमद ने इनका जनाजा पढ़ाया है। अब देख सकते हैं माशाल्लाह जमेगा फील लोगों का। वीडियो ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके। दुआ हो रही है जनाजे के लिए, आप लोग भी सब दुआ करें अपने घर में जो जो लाइव देख रहा है। आमिर भाई के लिए कुल और सूरह फातिहा अगर पढ़ दें आप लोग घर से बैठ के। आमीन 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 आमीन। आमीन 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 जनाजा अदा कर दिया गया आमिर भाई का। वाह वाह, आमिर भाई अकेला छोड़ के चले गए सबको। बेशक हमारा भाई आज दुनिया से चला गया है, बहुत ही कोई सच्चा आदमी, अच्छे दिल का आदमी, जिस तरह कराची वालों के लिए बोलते थे आमिर भाई, हमेशा कराची वालों के लिए आगे बढ़ बढ़ के इन्होंने काम किए हैं। कराची उर्दू का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, आज जनाजा हो गया है। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें आप लोग।
आप लोग वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके। मैं आपको कबर के पास के मनाज़र दिखाता हूँ। मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ कबर के पास। देख सकते हैं आप सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, रश बहुत है। ज़फ़र भाई, उर्दू का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है आज कराची वालों का, तो क्या कहना चाहेंगे आप? यही बोलूँगा कि अल्लाह ताला इनकी मगफिरत फरमाए और इनके लवायकीन को सब्र जमील इनायत फरमाए। बस अभी ये वो मनाज़िर हैं जहाँ पर तफ़सील हो गया। वसीम मदानी साहब मौजूद हैं, आप इनसे अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? वसीम भाई दुआ कहने का कह रहे हैं, देखें उनकी फैमिली मौजूद है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आमिर भाई के जनाजे पे मौजूद हैं। कराची वालों का दूसरा फ़खर उमर शरीफ भी यहाँ पे हैं, उनके उसके साथ ही हमारे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मौजूद हैं। आप देख सकते हैं उमर शरीफ की कब्र है, उसी के साथ ही अंदर क्या कहना चाहेंगे आप? सब पूरी कौम आज दुख में है। बिल्कुल उमर शरीफ की अहलियाँ हमारे साथ मौजूद थी, आप देख सकते हैं इसी के अहाते में ये आमिर भाई को दिया जा रहा है हिस्सा। फ़करे पाकिस्तान उमर शरीफ के साथ फ़करे कराची। ज़फ़र भाई, जनाजा हो गया, उस तदफीन का अमल शुरू हो रहा है, तो आगे का क्या होगा लाए अमल? मगर ज़फ़र भाई, एक ये आमिर भाई मीम्स की भीड़ चढ़ गए एक तरीके से देखा, सोशल मीडिया की, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो सुना था कि यहाँ पर कोई ऐसे लॉज हैं साइबर क्राइम के, लेकिन वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा शायद। वो तो बोलते रहे बार बार कि जिसने मेरी ये वीडियो चलाई बरेला, खुदा के लिए उसको पकड़ो, खुदा के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई, खुदा के लिए। बिल्कुल यही है, इस तरह आमिर भाई रोते रहते हैं। भाई प्लीज, ये उनके करीबी साथी हैं, कुछ अपनी बयान बताएं लोगों को आमिर भाई के हवाले से, क्या कहेंगे इस वक्त, क्या होने जा रहा है, कुछ मैसेज दें। क्या बयान, मैं क्या, मैं कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ भाई। ये मैं वही समझ रहा हूँ कि रोजनामा परचम में मेरे साथ बैठ के काम कर रहा है, दीदी चला गया, उसके लिए दुआएं मगफरत करें बस। उसके जो नेकियाँ लेके जा रहे हैं ना, वो अल्लाह उसकी नेकियाँ कबूल फरमाए बस, इतना, इससे ज़्यादा हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं बस। कामरान भाई, आपके तो बहुत पुराने दोस्त हैं, 93 से आपकी दोस्ती थी, हर उसमें जो है फैसल हुसैन ने भी बताया कि घरेलू मामलात में भी आप जाते थे, और जो है वो आमिर भाई की अचानक जो है वो इंतकाल पर, मतलब कितना बड़ा नुकसान महसूस करते हैं आप? यार यतीम हो गए बस, ये कह सकते हो आप, खुदा मैं तो यतीम हो गया, मेरा सब कुछ था, मेरे अंदर हिम्मत नहीं, मैं कहूँगा बस दुआ करें लोग, उसके दुआ करें बस, उसके लिए दुआ करें, दुआएं मत करें बस, अल्लाह उसे जवाने रहमत दे, जो इतने नेक काम करके गया ना,
अभी आने वाले दिनों में पता लगेगा कि वो था क्या। जब उसकी नेकियां सामने आएंगी ना, 350 से 400 गुमशुदा बच्चों को वो घर छोड़ा उसने, क्या क्या बताएं, कितने बच्चों के उबरते बुआई कुते समाज के उसने हालात लगवाए, कितनों पे उसने दिलों के सुराख बंद किए, और क्या उसकी आपकी आखिरी मुलाकात बात कब हुई थी यार? ना आखिरी ना पहली, मेरे तो दिल में रहता है, मैं तो अभी भी उससे मुलाकात करूँगा, मैं अभी भी उससे मुलाकात करूँगा, मेरे दिल में ज़िंदा है, मैं मेरे लिए वही हंसता मुस्कुराता वहाँ मिल जाता था। बस आमिर भाई की तदफीन आ रही है, कराची वालों के लिए, उर्दू के लिए बहुत बड़ा एक सदमा है आज, बहुत आमीन, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे। बेशक हमें लियाकत से हम सॉरी कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते, इस कौम ने ही करा है। पूरा पाकिस्तान आज सो गवा रहे आमिर भाई के इंतकाल पे। शहरी भाई भी हमारे साथ खड़े हुए पीछे, शहरी भाई आप तो आमिर भाई के समझे भाई थे एक तरीके से, हर चैनल पे साथ हर जगह, आप तो बहुत, हम तो आपको देखते आ रहे हैं आमिर भाई के साथ हमेशा से, जिस तरह आप करते थे आमिर भाई का, और आमिर भाई आपके साथ जो थे, जो कुछ भी आमिर भाई के लिए से करने वाले जात रखी है, क्योंकि अल्लाह ने वसीला बनाया था मेरे लिए आमिर भाई को, उन्होंने बहुत मकाम पे ये प्रूफ किया कि वाकई वो बड़े थे, हर तरह से इल्म में, उम्र में, रुतबे में बिल्कुल बड़े भाई थे, बिल्कुल बड़े भाई, बिल्कुल बिल्कुल ख्याल करते थे, और सिर्फ मैं ही टीम के हमारे जो 65-70 लोग थे उन सबके वो बड़े भाई थे। प्रोग्राम में वो कहते थे शहरी का है, शहरी का है, बार बार हर दफ़ा सेट का हिस्सा है, जैसे ये फानूस लगा ना, जो कि हाय 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 शरीर से तू कहाँ जाता है, जिस तरह मैं नाक पढ़ता था, जिस तरह मैं कोई कलाम पढ़ता था, अली अली करने के लिए इतना किसी चैनल पे किसी ने इजाजत दी है कभी, ये सिर्फ आमिर भाई थे जो कहते थे जो बोलना था जो बोल, बेशक 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 अली अली करवाते थे, मौला हुसैन का जिक्र करवाते, बेशक बेशक अब कौन करेगा। बस शरीफ अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हिम्मत दें शहरी भाई, हिम्मत करें, अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे भाई, सब दुआ करें, सब बेशक पूरा पाकिस्तान दुआ कर रहा है आमिर भाई के लिए, उनकी जो खताएं थी, जो उनसे गुनाह हो गया, जो खता हुआ, अल्लाह पाक उनको माफ फरमा, आमीन आमीन, अपने हबीब का जो जिक्र उन्होंने किया है आमीन, और जो अहले बैत का जिक्र किया है बस उसके सत्य परवरदिगार आमीन आमीन आमीन। आमिर भाई का जनाजा आ गया, ऐसे नहीं कर।